प्रकृति से चुनौती प्राप्त दिव्यांगजन सामान्य लोगों की तरह अवसर प्राप्त होने पर न केवल किसी भी कार्य में दक्षता हासिल कर सकते हैं, बल्कि अपने पैरों पर खड़े होकर राष्ट्र की प्रगति में बराबर के सहयोगी बन सकते हैं। इसी उद्देश्य को लेकर जिला ऊना में आराधना स्वयं सहायता समूह कार्य कर रहा है। जिला प्रशासन ऊना तथा माता श्री चिंतपूर्णी ट्रस्ट की पहल पर समूह द्वारा दिव्यांगजनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ग्राम पंचायत देहलान लोअर में प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की गई है, जहां उन्हें मशीनों द्वारा धूप और रुई की बाती बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। केंद्र में 18 दिव्यांग प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा तैयार उत्पादों को बाजार में भी बेच रहे हैं। इस केंद्र के लिए बतौर नोडल एजेंसी कार्य कर रही आश्रय संस्था के सदस्य सुरेश नैरी ने बताया कि इसी वर्ष अगस्त माह में केंद्र का शुभारंभ किया गया था। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त कर दिव्यांगजन अब तक 1 क्विंटल धूप तथा 1000 रुई के पैकेट तैयार कर चुके हैं। ये स्वयं ही उत्पाद की पैकिंग भी करते हैं। हमने इनको एक तो नेशनल कैरियर सर्विस सेंटर के द्वारा यहाँ से स्किल डेवलपमेंट के कुछ प्रोग्राम इनको करवा के अभी यहाँ पर दो आइटमें हमने शुरू की है, और हमारा जो लक्ष्य है वो ये है कि हम और भी 3-4 आइटमें जो है वो यहाँ शुरू करके यहाँ की मार्केट को स्टडी कर रहे हैं हम। तो समाज की यहाँ पर स्थानीय स्तर पर आवश्यकताएँ उन्हीं में इनका जो है एक सफल परियोजना के रूप में कार्य चले। उद्देश्य ये है कि अपने जो दिव्यांगजन हैं ये भी राष्ट्रीय मुख्य धारा में एक आत्मनिर्भर होके उसमें अपना कार्य करें। नेशनल सर्विस सेंटर के प्रभारी डॉक्टर बीके पांडे ने बताया कि दिव्यांग जनों को हुनरमंद बनाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में ये इकाई प्रभावशाली भूमिका निभा रही है। दिव्यांग जो हमारे हैं उनके लिए ये उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक केंद्र की स्थापना की गई है। इसमें अभी फिलहाल हम 2 प्रोडक्ट दिए हैं इनको कि जो धूप बत्ती और ज्योत बनाएंगे, और सारे जो भी यहाँ प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे चित्रपूर्णी मंदिर ट्रस्ट को जाएंगे, जहाँ से जो भी हमारे दर्शनार्थी आते हैं उन तक ये पहुँचे और माता चित्रपूर्णी मंदिर ट्रस्ट के सहयोग से ये दिव्यांगजन जो हैं वो आत्मनिर्भर हो सकें, कुछ आय अर्जित कर सकें और अपना जीवन यापन सुचारू रूप से चला सकें। इस संस्थान के खुलने से दिव्यांगजन और उनके अभिभावक भी खासे उत्साहित हैं। उनका कहना है कि संस्थान की मदद से न केवल उन्हें रोजगार का अवसर मिला है, बल्कि उनके आत्मविश्वास में भी बढ़ोतरी हुई है। मैं यहाँ धूप बत्ती और ज्योत का काम करती हूँ, 3 महीने से कर रही हूँ। जैसे मेरा बेटा भी है, वो दिव्यांग है, वो भी काम कर रहा है। हम दोनों काम करने के लिए मतलब यहाँ आ रहे हैं, हमारा खर्चा वगैरह चल रहा है। काम करने का मौका मिला, इस प्रोग्राम जाना है, हमें अच्छा लगा। निश्चित रूप से आराधना स्वयं सहायता समूह दिव्यांगों को मुख्य धारा में जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में काम कर रहा है, जिससे समाज का यह महत्वपूर्ण अंग भी पूरे आत्मविश्वास से आगे बढ़ रहा है। DD News के लिए ऊना से अमित शर्मा की रिपोर्ट।